सो ये है मिस्टर हस्बैंड की ब्रेकफास्ट. थैंक यू. कितना अच्छा बना है. जिंदगी में पहली बार देखा. ऐसे भी मत बोलो. तो ये है मम्मी जी के लिए. मम्मी जी अंडा नहीं खाएगी सुबह सुबह, तो मम्मी जी सिर्फ चाय दे के टोस्ट खाएगी. तो इसीलिए मम्मी जी जैसे पसंद करती है मम्मी जी को वैसे ही देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. चाय दे के नहीं, चाय के साथ. तो चाय के साथ मम्मी का टोस्ट ब्रेकफास्ट है. हो गया, अभी मेरी बारी. वेलकम बैक टू माई चैनल ट्वीट ऑफ टिया, और मैं हूँ टिया. तो आज सुबह से मैं व्लॉग स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने प्रॉपर जो व्लॉगिंग है वो नहीं किया था, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो यहाँ पे नई नई हूँ और सब लोग कैमरा फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और सबको ही काम रहता है ना, मतलब सबको ही तो रेडी नहीं रहता है हमेशा मेरे कैमरा पे आके हाय बोलने के लिए. तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी, बट वो इंक्लूडिंग मी एंड मेरे हस्बैंड एंड ऊपर के रूम पे ही मैं कर रही थी. तो आज मैं सोच रही थी कि आज व्लॉग करूँ. तो अभी जो है 10:30 बज गया है, और ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है. तो कुछ चीज़ क्लियर कर देती हूँ, बट मैं देख रही हूँ कि आफ्टर मैरिज जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि होता है हर एक के साथ, तो मेरे साथ भी हो रहा है. तो इसलिए मैं यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि मम्मी सुबह सुबह अंडा नहीं खाती है, ना ही फ्राइड ना ही बॉयल्ड. इसलिए मम्मी बहुत पर्टिकुलर है सारा चीज़, और मम्मी सुबह से उठ के ऐसा है, मतलब इस घर के जो मम्मी है मेरी उनकी बात कर रही हूँ, तो वो सुबह उठ के सिर्फ चाय बिस्किट्स लेती है और उसके बाद एकदम से लंच करती है, बीच में कुछ नहीं खाती है. तो मेरा दिमाग में यही था पहले से ही कि मुझे इस बीच मम्मी को कुछ खिलाना है, तो मैंने स्टार्ट किया है. कल भी मैंने एक चीज़ बनाई थी मम्मी के लिए, मम्मी ने खाया है, और आज भी मैंने टोस्ट, तो एकदम से मैं उनको बहुत ऊपर तक नहीं लेके जा सकती हूँ खाने में, तो जितना थोड़ा बहुत करके मैं उनको खाना देती हूँ. तो इसलिए मम्मी जैसे बोल रही थी कि मुझे सिर्फ 2 टोस्ट चाहिए, मैं चाय के साथ पीऊँगी फिर से, तो मैंने वही दिया और हस्बैंड को दे दिया. वो थोड़े बाहर गए हैं कुछ काम के लिए, फिर से आ जाएंगे. सो मैंने भी खा लिया, मैंने भैया को भी दिया है, और जो हम लोग का कुक है उनको भी दिया है. मैंने वो सब शूट नहीं किया अभी तक, थोड़ा धीरे धीरे करके मैं सब कुछ दिखाऊंगी. तो लंच के टाइम पे मैं कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि लंच में जो हम लोग का यहाँ पे कुक है वही कुकिंग करेंगे, तो वहाँ पे मेरा कोई इनपुट नहीं है. अगर कभी भी वो नहीं आता है तो मैं और मम्मी मिलके करूँगी, तो यही सब होता है नॉर्मल जैसा है वैसे ही. और मैंने कल से कुर्ती पहनना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे गया है मेरा, और कल मतलब जब से मैं उठी हूँ सुबह से तब से लेके मतलब रात तक मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा जो मैं आप लोग बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग नए जुड़े हो, तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस ना स्टार्ट हो गई है, तो 3 घंटा पूरा ऑनलाइन क्लास होता है. तो उसी बीच मैंने एडिट भी किया, एक वीडियो पब्लिश भी किया कल. तो ये सब कुछ चीज़ करते करते मेरा नहाते नहाते मेरा टाइम जो है बहुत देर तक, बहुत लेट से मैं कल शावर लिया मैंने, क्योंकि सुबह उठ के, और भी एक बात बता देती हूँ, आप लोग बोलते हो कि नई दुल्हन हो तो सुबह उठ के नहाना चाहिए, हाँ बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स नहीं है, और मैं जो ड्रेस पहन के सोती हूँ वो ड्रेस पहन सुबह उठ के ही मैं वो ड्रेस चेंज करके दूसरा ड्रेस में आ जाती हूँ, इसलिए नहाने का कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरा जब टाइम होता है, मेरा जब समय होता है, मैं तभी शावर ले लेती हूँ.
तो ये गया ये, तो आज रात को बनेगा रोटी एंड तड़का, मम्मी बनाएंगी। तो मैं इसीलिए व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरे सासू माँ के साथ, आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस आज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो ये शाम की बात है, तो धीरे धीरे मैं दिखाते जाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। उतना तो काम नहीं रहता है, फिर भी आजकल जो है मेरा पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो अभी शायद मैं जल्दी से थोड़ा एडिटिंग का काम है, हाफ एन आवर का काम है, वो एडिटिंग करूँगी ख़त्म, और एडिटिंग करने के बाद मैं करूँगी मैं जाऊँगी शार लेने, और उसके बाद मैं शायद पढ़ाई करूँगी, कुछ ऐसा मेरा प्लान है। क्योंकि कुछ कंपनी का ब्रांड का भी काम चल रहा है, तो ब्रांड का काम चलने में क्या होता है ना, बहुत दिक्कत होता है, टाइम जो है बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है। और अभी भी यहाँ पर ठंड है, बट अभी मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है क्योंकि धूप जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मैं सुबह की टाइम है, मैंने शार नहीं लिया इसलिए मैंने बिंदी नहीं लगाई है, इयररिंग भी मैंने नहीं डाली है, तो कुछ ऐसा है, और हाथ में शाखा पौला है गाइस। सो अभी है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि ये है ये है ये नहीं है ये नहीं है, तो ठीक है करते हैं, जैसा चलता है लाइफ वैसे ही चलाऊँगी। और शायद मैं आज झाड़ू लगाऊँगी क्योंकि क्या है ना, मैं ऊपर का जो है डेली मॉपिंग नहीं कराऊंगी, और क्योंकि ऊपर का एकदम ही गंदा नहीं होता है, और मॉपिंग करने से मुझे लगता है टाइल्स के बीच का जो गैप है ना वो ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो एक या दो बार पानी में ही पूरा घर साफ करते हैं, राइट। तो मैं जो झाड़ू जो है मैं खुद लगाऊंगी, क्योंकि जो झाड़ू लगाने आती है ना उसका झाड़ू लगाना उतना मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए तो मैं खुद का ऊपर का रूम का मैं खुद ही करती हूँ, नीचे का सारा जो है वो वही करेंगे। और आज कपड़े वॉश करने के लिए भी नहीं देना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आज पढ़ाई करनी है, थोड़ा शूट करनी है और थोड़ा एडिट करनी है। सो आज कैसे कैसे मेरा लाइफ जाता है, कैसे कैसे मेरा दिन जाता है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हर एक दिन सेम नहीं जाता है, ऊपर नीच होता रहता है, तो यही है। आज जो है आज हस्बैंड ने जो बिस्तर है वो भी सेट नहीं किया, ये एक्चुअली उनका डिपार्टमेंट है, मैंने नहीं दिया, वो खुद से ही लिया है। उन्होंने बोला है कि रात के सोते वक्त और सुबह उठने के बाद जो बिस्तर है वही सेट करेंगे, बट आज वो जल्दी से निकल गए तो इसलिए मैं करूँगी। तो चलिए बिस्तर को सेट करते हैं। वॉशिंग में ऐसे ही चला जाता है, तो मैं इस रूम का भी करती हूँ, मम्मी के रूम का भी करती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर वो सब नहीं करते हैं। तो मैंने एक दिन मम्मी का फैन साफ किया है, मेरी इन घर में जब लिया है उनका फैन साफ किया है, तो बहुत ज्यादा फैला के इन लोग लगता है रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना लड़के लोग कैसे होते हैं, मतलब सभी आई डोंट मीन दैट सभी लड़के, बट मोस्ट ऑफ द लड़का जो है बहुत फैला के रखते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों के घर को भी, मतलब उन लोगों के रूम को भी साफ रखने के लिए, तो फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि ये रूम ही सिर्फ मतलब ये ऊपर का रूम ही मेरा है, वो भी मेरा घर ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा जो घर है बहुत अच्छे से
मेंटेन होके रहे, बट इतना करके करके ये भी मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि उन लोगों का जो प्राइवेसी है वो भी मतलब खराब ना हो. सो वैसे ही. और वैसे अभी जो पूरा घर है मैं अभी तक अरेंज उतना अच्छे से नहीं किया, मतलब फर्नीचर तो इतना इंक्लूड नहीं करना है अभी, बट फर्नीचर के ऊपर भी मगर मुझे कुछ रखना है तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है. कर्टेंस जो है कर्टेंस तो अच्छे से लग गया है, बट क्या है ना इसका कर्टेंस का लेंथ है जो ज्यादा है क्योंकि ये ऊपर का रूम है, तो ऊपर के रूम पे जो इसका विंडो का साइज है ना थोड़ा छोटा है, तो ये भी मुझे ठीक करवाना पड़ेगा. सब हो जाने के बाद मैं रूम टूर तो जरूर करवाऊंगी. और आप लोग फर्नीचर के डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हो बहुत ज्यादा फर्नीचर, तो उसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी. और अगर कहाँ से लिया बहुत लोग पूछ रहे हो, तो ये मेरे चैनल में ऑलरेडी दिया हुआ है कि मैंने कहाँ से लिया, कैसे बनवाया वो सब, और अंदर का जो डिटेल्स है कैसे मैंने कस्टमाइज किया है, ये पूरा चीज कस्टमाइज किया हुआ है ये वार्डरोब. एंड बाकी का सारा चीज जो है मेरे पसंद से ही बना है मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो ये सब का एक एक फर्नीचर का डिटेल्स मैं दूंगी, तो वेट करते जाओ. धीरे धीरे आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट जो है मैं नोट डाउन कर रही हूँ और सभी का रिक्वेस्ट मैं रखूंगी. आई प्रॉमिस टू यू गाइज. ज्यादा गर्मी लग रही है और सिर्फ यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी तो यहाँ का काम हो जाएगा. उसके बाद थोड़ा सा एडिट करूंगी और फिर जाऊंगी शाम लेने. गाइस बहुत देर बाद मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ क्योंकि तब मैंने शार लेकर आप थोड़ा मतलब श्रृंगार किया था कुछ इस टाइप से, मुझे कुछ वर्ड सूझ नहीं रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ. और उसके बाद हम लोगों ने एक्चुअली मेरा और एक ऑनलाइन क्लास था वो मैंने अटेंड किया और उसके बाद लंच किया. लंच करने के बाद फिर एक ऑनलाइन क्लास था तो उस बीच मैं और शूट नहीं कर पाई. आप लोगों को थोड़ा झलकिया मैंने दिखाया कि सब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और
फिर हम लोग थोड़ा सो गए क्योंकि आज मैं बहुत सुबह सुबह उठी थी, एक काम की वजह से उठी थी, 8:30 बजे उठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी, तो हम लोग सो गए थे। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड ने क्या किया है। मैंने आज ही आप लोगों को बोला है ना कि कर्टेंस जो है मुझे स्टिच करने देना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जो है लंबा दिख रहा है, तो हम लोगों ने आज ही दे दिया और वो कल दे के जाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा जो विंडो है हम लोग का वो ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि जहाँ पे लाइट होगा वहाँ से वहाँ का चीज़ सब कुछ दिखाई देगा बाहर से। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि पुराने जो हम लोगों के पास कर्टेंस है तो वो लगा देती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने लगाया है, अभी देखिए पुराना है, बहुत पुराना है, यही वॉश किया हुआ था इसलिए मैंने यही लगाया एक दिन के लिए, और एक सीधा लगाया और एक उल्टा लगाया, सोचो यही है। तो अभी जो है अभी मैंने कुछ नहीं खाया है शाम के टाइम पे क्योंकि मुझे अब भी जाना है इवनिंग वॉक पे। हाँ हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है, आज वो घर पे है ठीक है, बट जब भी वो घर पे नहीं रहेंगे, अगर रात को भी आते हैं या फिर रात में भी आप वॉक करने निकल जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आज जब हम लोग आज हम लोग जाएंगे इवनिंग वॉक पे क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है, तो कोशिश करेंगे हर दिन करने के लिए। तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ एक पुलोवर पहन लूँगी और बाल को ठीक ठाक कर देती हूँ, तो फिर हो जाएगा। और मैं मिलती हूँ इवनिंग वॉक से आने के बाद, या फिर मैं अभी आपको लेके जाती हूँ, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि कैमरा मैं लेती हूँ तो उनको ही मैं पकड़ने दूंगी क्योंकि इतना मतलब ये बहुत हेवी कैमरा है तो ये इसको लेके चलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है लेके जाओ तो लेके जाऊंगी, या नहीं बोलते हैं तो नहीं लेके जाऊंगी। सो मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने एक पुलोवर डाल लिया है, तो अभी बाय। तो अभी आज के रात का जो डिनर है वो होगा तड़का एंड रोटी, एक तड़का बनेगा जो मम्मी बनाएंगी, मुझे तड़का बनाना नहीं आता है तो मैं आज देखूंगी, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, प्रॉपर रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। और आप लोग बहुत लोग मेरी सासू माँ मतलब मेरी मदर इन लॉ को देखना चाहते हो तो हियर शी इज माँ, हाय बोल दो। हाय तो ये मेरी सासू माँ है, बहुत ही क्यूट है, और आज मम्मी बनाएगी तड़का तो इसलिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे कैमरा, और यहाँ पे फिर देखा यहाँ पे दाल ऑलरेडी बॉयल हो गया है, एक की कौन डाल इटा ओके ये तड़के का दाल है, कुछ 5 तरीके का दाल यहाँ पे बॉयल हुआ है, मुझे पता नहीं कौन कौन सा दाल है, और यहाँ पे ऑयल चढ़ाया है मम्मी ने, और अभी यहाँ पे ये सब अंडा इस तेल में जाएगा शायद, हाँ तड़के के लिए क्योंकि एक तड़का होगा। यहाँ पे मम्मी क्या दे रहे हो? आधा। ओके यहाँ पे जिंजर पेस्ट जो है वो गया है, और यहाँ पे मम्मी कुछ कुछ चीज़ रेडी करके रखा है, यहाँ पे काजू है, किशमिश है मतलब रेजिन्स है, और यहाँ पे जो है तड़का है, तड़का मसाला जो है वो है, इसको मम्मी यूज़ करेगी 3 पैकेट, और ये है अमूल बटर, और यहाँ पे मम्मी वो एक फ्राई को दाल में दे रही है, और यहाँ पे है थोड़ा अनियन एंड गार्लिक चॉप किया हुआ, आई डोंट नो कैसे बनाते हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ बनाना, और फिर से गया यहाँ पे ऑयल, मम्मी थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही देती है खाने में, ऑयल गर्म हो जाने के बाद और यहाँ पे और एक मेंबर है, मम हाई बोलो लाओ। तो ये है मेरे हस्बैंड के जो भैया है उनकी बेटी, बहुत प्यारी है, और आपका नाम बता दो।
तो इसका नाम है शुभेच्छा दासगुप्तो और बहुत ही प्यारी है, सबकी बहुत ही चहिता है और आप लोगों ने भी बहुत इनको पसंद किया है मेरे ब्लॉग में, आप जब भी देखते हो इनको। और ऑयल में गया यहाँ पे स्लिप किया हुआ मिर्ची भी था, मैंने नहीं दिखाया, मुझे पता नहीं था कहाँ पे कहाँ। तो ये अभी फ्राई जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो गया, हाफ फ्राई आई थिंक हो गया है। काजू और किशमिश तो ये डायरेक्टली डाल जाता है सॉरी गैस में, तो ये बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये कंसिस्टेंसी में भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, टक्को में जावे ना उन्हें डालता। अच्छा तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा क्योंकि ये गाढ़ा बनेगा और जब तक गाढ़ा बनेगा तब तक गैस को धीमी आंच में ही शायद रखना पड़ेगा। और उसके बाद जाएगा ये तड़का मसाला और अमूल बटर लास्ट में। और यहाँ पे मम्मी दे रही है टेस्ट वाइज शुगर, आप लोग शुगर अवॉइड करना चाहते हो तो आप जैगरी भी दे सकते हो थोड़ा, और नमक ऑलरेडी मम्मी ने दे दिया था दाल पे। तो ये हम लोग बॉयल होने के लिए रख देंगे, बॉयल ऑलरेडी हो गया है बट ये और भी ज़्यादा होगा बॉयल्ड, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो होगा और मेरा ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा शायद, तो मैं वो करती हूँ और तब तक ये रेडी हो जाएगा, मेरा ऑनलाइन क्लास भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी टाइम है मसाला देने का टाइम है, तो 3 पैकेट ऑलरेडी, 1 पैकेट मम्मी ने दे दिया था, अभी 2 पैकेट दे रही है। और जाएगा मक्खन ढेर सारा, बाप रे। तो ये और भी होता रहेगा, अभी मम्मी ने गैस ऑफ कर दिया क्योंकि अभी तो हम लोगों को अभी हम लोगों को खाना नहीं है, खाना तो रात में है, तो जब रात में और एक बार रात में जब खाएंगे तब हम लोग और एक बार गर्म करेंगे इस चीज़ को और भी ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। तो फिर अभी के लिए इतना ही, और चलिए मैं बाद में मिलती हूँ एकदम डिनर में। सो अभी बज गया है 9:30 और मम्मी और मैं मिलके हम दोनों के लिए सर्व किया, मम्मी के लिए नहीं क्योंकि मम्मी को अभी भूख नहीं है और एक भैया आने वाले हैं तो उनके साथ खाएंगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी खाएंगे। और यहाँ पे रोटी ले लिया है और तड़का भी लिया है, थोड़ा अचार भी लिया है और प्याज एंड मिर्ची, और यहाँ पे मैंने पापड़ को जो है वो बेक्ड कर लिया है। तो अभी जो है फुल धाबा फीलिंग आ रहा है हम लोगों को। तो ये प्लेट है उनका और ये प्लेट है मेरा, तो ऐसे ही खुशबू जो है बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और मैं दोपहर को मैं एक बार टेस्ट कर रही थी, तो मतलब ये जो है ना तड़का बहुत 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 ही यम्मी बना है।
मतलब क्या बोल बताओ, आप लोग अगर खुशबू ले पाते ना तो आप लोगों को पता चलता कि कैसा बना है, बट बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो अभी हम लोग खाएंगे और खाने में क्या दिखाऊं आप लोगों को, तो उसके बाद मैं इस व्लॉग को एंड करूंगी। सो बाय। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।